तो देखिए दोस्तों, आज गोभी और आलू की मसाले वाली भुजिया बनकर रेडी हो चुका है। कैसा दिख रहा है? तो देखिए, यहाँ पे हमने गोभी काट के रख लिया छोटा छोटा और आलू भी रख लिया है यहाँ पे। तो आज हम लोग मसाले वाले आलू गोभी की भुजिया बनाने जा रहे हैं। देखिए, तेल गर्म हो चुका है तो इसमें मैंने मिर्च डाल दिया है और थोड़ी देर मिर्च गर्म होने देते हैं। फिर मैं इसमें जीरा डाल लिया है। अब इसमें आलू मैं डाल दूँगा जो मैंने छोटे छोटे काट कर रखा हुआ था। तो आलू लंबा लंबा काट के रखें क्योंकि इसमें भुजिया में लंबा लंबा अच्छा लगता है। और इसको थोड़ी देर चला देंगे अच्छे से। तो आप वीडियो को पूरा देखा करिए, ये और रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। अब इसमें मैं गोभी को भी डाल दूंगा। देखिए, गोभी मैंने पतला पतला लंबा लंबा काट के रखा है। दोनों को डाल देता हूँ अच्छे से। इसमें मसाला और हल्दी जो भी होता है एक ही बार हम डाल देते हैं। तो देखिए, मैंने हल्दी भी डाल दिया है इसमें। और नमक भी डाल दिया है। तो ये मैं नया रेसिपी मैंने बनाया है, तो ये आप ज़रूर ट्राई करिए आप लोग। इसमें मैं मसाला को भी डाल दूँगा। ये पिसा हुआ मसाला है जिसमें धनिया, ये सब जो भी मसाला है, धनिया, काली मिर्च, ये सब पिसा हुआ मसाला है। तब इसको मैं ऐसे चला दूँगा कि अच्छे से मिल जाए। नमक भी मैंने डाल दिया, तो इसको अच्छे से मिला लेते हैं अच्छे से। तो इसे धीमी आंच पे पकाए क्योंकि धीमी आंच पे गोभी अच्छे से पकता है। और इसको मैं थोड़ी देर ढक देता हूँ और इसको पकने देता हूँ। तो चलिए चेक करते हैं आलू गोभी की भुजिया मसाले वाली। तो देखिए, आप लोग चेक करके बताइए कैसा दिख रहा है मैं आलू गोभी की भुजिया। तो मैं देखिए, भुजिया बनकर रेडी हो चुका है। तो वीडियो आप कहाँ कहाँ देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। तो ऐसे तो मेरे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।